हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 31 की शुरुआत में चंजी के यहाँ से जाने के बाद तेन शाओशाओ भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तियान तेन शाओशाओ को रोक लेता है और कहने लगता है कि तेन शाओशाओ सिर्फ मेरी एक दफा बात सुन लो। तेन शाओशाओ तियान से कहती है कि तुम चंजी को हार्ट टर्न देना छोड़ दो क्योंकि मेरा चंजी से कोई भी लेना देना नहीं है। तियान कहते हैं कि आखिर मैंने क्या गलत किया, तुम मुझे बताओ, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि तभी हम उसको बदल पाएंगे। तेन शाओशाओ तियान से कहती है कि मैं तुम्हें जानना चाहती थी और इसी वजह से आज हम दोनों साथ हैं, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे ये बात रियलाइज हो रही है कि दो लोग जिनका ताल्लुक तो मुख्तलिफ दुनिया से होता है, उनका साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार तो वन साइडेड हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल प्यार के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। तियान कहता है कि जो भी है, हम दोनों सभी मुश्किलात को इकट्ठे मिलकर ओवरकम कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए बदलने को तैयार हूँ। तेन शाओशाओ कहती है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही सोचा करती थी, लेकिन अपने आप को बदलना बहुत ही पेनफुल है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अब तेन शाओशाओ ही नहीं रही। तियान तेन शाओशाओ का हाथ पकड़ कर कहने लगता है कि इस दफा मैं बदलूंगा। तेन शाओशाओ कहती है कि हम अभी के लिए इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि अभी तो हम आराम से एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद भी अगर यही दिन आया तो उस टाइम पर एक दूसरे से दूर होना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि हम उस ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को देखने के भी काबिल नहीं रहे, इसीलिए हमें एक दूसरे को टॉर्चर करना बंद कर देना चाहिए। ये कहकर तेन शाओशाओ तियान से अपना हाथ छुड़वा कर यहाँ से चली जाती है और ये दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे होते हैं। अगले दिन यूयी के टियानशिया की लिस्टिंग सेरेमनी होती है जिसको अटेंड करने के लिए सभी लोग आए होते हैं। अब येचन को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। येचन स्टेज पर आकर सबसे पहले अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करता है इस सेरेमनी में आने के लिए, फिर सबको बताता है कि 5 साल पहले जब मैं अब्रॉड में था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ड्रीम था, वो ये कि मैं पूरी दुनिया को चाइना की आवाज सुनाना चाहता हूँ। और अब मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपना आधा गोल पूरा कर लिया है। येजन कहने लगता है कि हम AI इंडस्ट्री में अभी पायनियर हैं, लेकिन हम वक्त के साथ साथ एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं ताकि हम लोग चाइना की कैपेसिटी और आवाज पूरी दुनिया को इंटरनेशनल स्टेज पर सुना सकें। यूयी का मेन मिशन ये है कि यूयी डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी के लोगों के दरमियान ब्रिज बनना चाहता है और यूयी 10 या इस गोल के लिए मजीद मेहनत करेगा। यीचंग ने बहुत अच्छी स्पीच दी होती है जिसके लिए सभी लोग यीचंग के लिए बहुत ज्यादा तालियां बजाने लगते हैं। लिंची भी यीचंग के सक्सेस पर बहुत खुश होती है। अब यूयी टेंशिया के लिस्टिंग सेरेमनी के बाद सभी लोग आफ्टर पार्टी में आ जाते हैं। चेंग्याओ यीचंग को कंग्रेचुलेशन कह रहा होता है। चेंग्याओ कहने लगता है कि अगर मैं बिजी नहीं होता तो मैं यूयी टेंशिया की ग्रैंड बेल रिंगिंग सेरेमनी जरूर देखता। यीचंग कहता है कि यूयी की लिस्टिंग तुम्हारे बगैर नहीं होती। चेंग्याओ कहता है कि सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक और चीज के लिए भी मेरा थैंक्स करना चाहिए, लेकिन ये चेंग्याओ को भी इसके बारे में बात नहीं करने देता। इतने में यहाँ पर लुआ जाता है जो कि यीचंग के साथ तस्वीर खिंचवाने लगता है। लिंशी दूर बैठी यीचंग को यहीं से देख रही होती है और इसके पास तेन शाओशाओ आ जाती है। तेन शाओशाओ इससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हो। लिंशी कहती है कि अब फाइनली यूयी की लिस्टिंग हो गई है तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊंगी। इतने में माओ सबसे कहने लगता है कि यीचंग आप सबसे कुछ कहना चाहता है। यीचंग इन सबसे कहने लगता है कि मैंने लिस्टिंग सेरेमनी में जो कुछ भी कह रहा था वो मैंने कह दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी मदद के बगैर ये काम नहीं हो पाता। मैं एक स्पेशल इंसान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लिंची तो ये सुनते ही जाने लगती है, लेकिन ये चल लिंची को यहाँ पर सबसे कुछ कहने के लिए बुला लेता है। अब लिंची तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही होती, लेकिन सभी लोग लिंची से कहने लगते हैं कि तुम्हें हमसे कुछ कहना ही होगा। ये सुनकर लिंची यीचंग के पास आ जाती है। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम यूयी की लिस्टिंग की विटनेस हो, इसलिए तुम सबसे कुछ कहो। लिंची कहते कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। यीचंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं ही सबसे कुछ शेयर कर लेता हूँ। ये सुनते ही लिंची कहने लगती है कि सारे प्रोसेस में हाओशंग और यूयी की कोऑपरेशन बहुत अच्छी रही है और सबसे अहम मैं यीचंग और तोंगशिंग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। और कहने लगती है कि इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टर लू ने लीड किया है तो उन्हें भी यहाँ पर आकर कुछ कहना चाहिए। अब डायरेक्टर लू यहाँ पर आकर अपनी स्पीच देने लगते हैं और इस तरह से लिंची यीचंग को सबके साथ इन दोनों के बारे में बात करने से रोक देती है। इसके बाद लिंची यूयी वापस आकर कुछ काम कर रही होती है तो इतने में चेंग्याओ आता है और लिंची को बताता है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। लिंची इससे पूछती है कि तुम्हारे और तोंगशिन के दरमियान सब कैसा चल रहा है। इससे पहले कि चेंग्याओ को जवाब दे उसको एक मैसेज आ जाता है जिसको देखने के बाद कहता है कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, कहकर चेंग्याओ चला जाता है। अब लिंची जब ऑफिस से बाहर आती है तो यहाँ पर यीचंग भी आ जाता है। लिंची कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सेलिब्रेशन पार्टी पर होना चाहिए था ना। यीचंग कहता है कि तुमने लू का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके मुझे बात ही नहीं करने दी। किचन कहती है कि मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं कि मुझे ना तो फ्लावर्स चाहिए और ना ही ड्रोन। किचन कहता है कि तुम ये सब किस बारे में बात कर रही हो। किचन कहती है कि अच्छा है अगर तुम्हें समझ नहीं आई। किचन कहता है कि क्लाइंट की ट्रांसलेशन में मैं स्टक हो गया, इसलिए तुम प्लीज उस लाइन को ट्रांसलेट करने के लिए मेरी मदद कर दो। अब किचन लिंसी को अंदर ले आता है। यहाँ स्क्रीन पर एक लाइन लिखी आ रही होती है। इस लाइन को देख कर लिंसी कहने लगती है कि ये माइनॉरिटी सुबान है, इसके लिए मुझे चेंग्याओ से पूछना पड़ेगा। लिंसी ये कह रही होती है और ये जो लाइन होती है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रही होती है और इन सभी लाइन्स का सिर्फ एक ही मतलब होता है, वह ये कि किचन लिंसी से शादी करने के लिए कह रहा होता है। ये देख कर लिंसी हैरान हो जाती है। किचन लिंसी से कहने लगता है कि जैसा कि तुमने कहा था कोई फ्लावर्स और ड्रोन्स नहीं है यहाँ पर। अब ये लिंसी को अपना टैब दिखाता है जिसमें यस और नो की ऑप्शन होती है। लिंसी नो के ऑप्शन को चूज करती है लेकिन स्क्रीन पर हर जगह यस ही दिखाई दे रहा होता है, जिसको देख कर किचन हंसने लगता है। ये देख कर लिंसी हैरान हो जाती है और बार बार नो पर प्रेस करती है, लेकिन जितनी दफा ये नो को प्रेस कर रही होती है स्क्रीन पर उतने ज्यादा यस दिखाई दे रहे होते हैं। लिंसी ये देख कर किचन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्क्रीन पर ज्यादा यस दिखाई दे रहे हैं या फिर इससे ज्यादा यस मेरे दिल में है। किचन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे दिल में ज्यादा यस होंगे। अब किचन लिंसी से इसका जवाब पूछता है तो लिंसी हाँ कर देती है। ये सुनकर किचन बहुत खुश होता है और ऊंचे आवाज में कहता है कि लिंसी ने हाँ कर दी। इतने में ही बाकी सब लोग इसी बात को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देख कर लिंसी बहुत हैरान होती है। लिंसी चेंग्याओ से कहती है कि तुम्हें तो जाने की बहुत जल्दी थी ना। चेंग्याओ कहते हैं कि हाँ मुझे जल्दी इसीलिए थी क्योंकि मुझे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को चेक करना था। लिंसी टीएन से कहती है कि तुम भी इसमें शामिल थे, तो टीएन कहते हैं कि तुम्हें तो इससे 8 साल पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। अब यहाँ पर मिस्टर सांग भी पार्टी पॉपर को पॉप करते हैं और लिंसी मिस्टर सांग को यहाँ पर देख कर बहुत हैरान होती है। मिस्टर सांग कहने लगते हैं कि मुझे आज ओवरटाइम काम करना था लेकिन मैं यहाँ पर वक्त पर पहुँच गया हूँ। अब ये सब लोग लिंसी को कंग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक लाइट जल जाती है। लिंसी पीछे मुड़कर देखती है तो ये चंग लिंसी के पास आता है। ये चंग लिंसी के पास आकर कहने लगता है कि किसी ने कहा है कि जब आप यंग हो तो आपको उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए जो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, वरना आप अपनी बाकी की जिंदगी रिग्रेट में गुजारते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अपनी जिंदगी में तुम जैसे अमेजिंग इंसान से मिला हूँ। अब ये चंग नीचे बैठ जाता है और लिंसी को रिंग दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लिंसी ये चंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और ये चंग लिंसी को रिंग पहना देता है। और यहाँ पर लिंसी और ये चंग को अपनी सारी मेमोरीज याद आ रही होती हैं कि कैसे इनकी मुलाकात 8 साल बाद हुई थी और आज ये दोनों फिर से एक साथ हो गए हैं। ये दोनों आज बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बाकी सब लोग भी इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो अंशन तो इन दोनों को जो साथ देख के कुछ ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही होती है। लिंसी और ये चंग के स्पेशल मोमेंट पर हमें इनकी पुरानी मेमोरीज को दिखाया जा रहा होता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।